बैरियर टाउन कराची फुल पैक। बैरियर टाउन कराची में इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आज बैरियर टाउन कराची में न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। बहुत ज़्यादा रश है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और BTK 2 में वैसे जो बैरियर टाउन कराची ने जो अनाउंसमेंट की थी उसके मुताबिक जो फायरवर्क होने वाला है यहाँ पर भी कुछ जगहों पर है, जो आईफिल टावर पे या इस तरीके से, लेकिन जो बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है जहाँ पे आतिफ असलम भी आने वाले हैं। तो खैर, इस वक्त हम बैरियर टाउन कराची 1 से निकलेंगे बैरियर टाउन कराची 2 के लिए और आपको प्रॉपर इंशाल्लाह ताला अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आज बैरियर टाउन में इस तरह लग रहा है जैसे कोई ईद का समय है और बहुत ज़्यादा रश है। पीछे ट्रैफिक भी आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मेन गेट से इंटर हो रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बैरियर टाउन कराची से बाहर भी जा रहा है, जो कि टूवर्ड्स हैदराबाद की तरफ जा रहा है। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, हम लोग भी जा रहे हैं बैरियर टाउन कराची 2 और फिर आपको वहाँ से ज्वाइन करते हैं। निकल चुके हैं बैरियर टाउन कराची 2 के लिए। जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे सेलिब्रेशंस का ऑन सीन है। मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं। बैरियर टाउन कराची 1 में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, पता नहीं बैरियर टाउन कराची 2 का क्या हाल होगा। मैंने सुना है कि टूल कराची हैदराबाद प्रॉपर जैम है इस वक्त। फाइनली हम लोग बैरियर टाउन से निकल रहे हैं। ये रश आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बैरियर टाउन कराची 1 पे ही जमा होना शुरू हो गए हैं। मेरा ख्याल है यहाँ से निकलेंगे लोग आहिस्ता आहिस्ता, बहुत रश नज़र आ रहा होगा आपको। खैर, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, आहिस्ता आहिस्ता लोग रुख कर रहे हैं। ये रॉन्ग साइड का चक्कर आज तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा और आज ये पता नहीं किस तरीके से मैनेज करेंगे। आए वो लोग जो कह रहे थे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा। साकिब भाई जी, साकिब भाई फुल जैम हुआ हुआ है, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा हम ड्राइव करते हुए आ गए और ये जैम पैक हुआ हुआ है। बिल्कुल पैकम पैक हुआ हुआ है, पैकम पैक, बिल्कुल पैकम पैक हुआ हुआ है। बंपर टू बंपर गाड़ी लगी, गाड़ी लगी हुई है। और यकीन माने कितना टाइम हो गया हमें यहाँ पे ख्वार होते हुए, तकरीबन आधा घंटा, आधा घंटा हो गया है। क्या बात है, कुर्सियाँ टेबलें लगा के आज टूल जमा हो रहा है भाई। ये कितने पैसे हैं भाई? सर 160 रुपए। किधर से? कराची से। कराची से नहीं भाई, बैरिया से आए हैं। हाँ भाई, ये टैग लगा भाई, टैग के बॉल आए हैं सर। तो हमें 100 रुपये नहीं, 100 रुपये नहीं, फिर जन्म 50 रुपये होते हैं ना। 100 रुपये टैग से। 100 रुपये? ओके ओके ओके। बैरिया के रेजिडेंट भी हैं। कराची का 160 है, बैरिया का 100 है। अच्छा, बैरिया का 100 है। पार्किंग का वैसे इन्होंने अच्छा इंतजाम किया है यहाँ पे, प्रॉपर ये लोग खड़े हुए हैं, पब्लिक को गाइड कर रहे हैं। ये हालात हैं भाई, पार्किंग, एक पार्किंग जो उस तरफ आपको नज़र आती है वो बिल्कुल फुल हो चुकी है और ये प्रॉपर गाड़ियां सेट करके लगवा रहे हैं। बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है बैरियर टाउन कराची मैनेजमेंट ने। साकिब साकिब साकिब, बैरियर टाउन मैनेजमेंट ने यार बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है यार, बहुत पार्किंग का मैं समझ रहा हूं। और यार ये मैं एक चीज़ पे हैरान हो गया, 3 दिन से इनकी यहाँ पे ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, 3 दिन से। जाहिर तो बात है, बड़ा फंक्शन है, बड़ा। चलो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो। वेलकम टू नया बैरियर टाउन कराची 2 में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारियाँ हैं। इवेंट थोड़ा सा आगे होने वाला है, पार्किंग जो कि ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो साकिब मेरे साथ मौजूद हैं, हम फटाफट से चलते हैं आगे। हाँ साकिब, यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे खावा चल रहा है। खावा चल रहा है जी भाई। अच्छा, इवेंट की थी वही वाले स्टॉल है यार, ये स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे स्टॉल्स पे आपको इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। और इसके अलावा हम दूसरी तरफ बात कर लें तो ये आपको खाने पीने का एक सिटिंग एरिया बना हुआ है और यहाँ पे आपको ये सबवे से लेके समोसा, बर्गर, अंडे वाला बर्गर, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, सब कुछ। तो खैर, अभी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। गरम अंडे गरम अंडे भी यहाँ पे मिलते हैं, गरम अंडे वाला भाई ये है। मैं नहीं हूँ वो भाई कोई है ही नहीं उधर, कोई भी नहीं बैरियर टाउन कराची 2 में आप देख सकते हैं भरपूर किस्म की तैयारियां हैं और हम लोग जा रहे हैं इवेंट जहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है उस जगह की तरफ। Oh,
साकिब यार इवेंट तो ख़त्म हो चुका है और पब्लिक अब ऐसा ऐसा पब्लिक निकलती जा रही है तो हमें भी निकलना चाहिए। खैर नया साल हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह करे बैरियर डाउन कराची में जिस तरह आज रश हुआ दोबारा से उन लोगों के लिए ये नया साल बिल्कुल वैसे ही मुबारक हो जिस तरीके से 2021 था। तो चलें यार फाइनली यहाँ से अब निकलने की करते हैं, बहुत रश है बैरियर डाउन कराची। ये सूरत हाल है, रात के 1:30 या 2 बज रहे हैं और ट्रैफिक की ये सिचुएशन है, फुल पैक बैरियर डाउन कराची फुल पैक।